तो हेलो जी, वेलकम बैक गाइस इन माय अनदर व्लॉग। यार काफी दिन हो गया, आप लोगों का भाई गुम हो गया था। पहले दो अंदर व्लॉग बनाए थे, बीच में वो एडिट एडिट नहीं किया था, टाइम नहीं मिला था व्लॉग बनाने का। तो दोबारा यार आपका भाई हाजिर हो गया। टिकटॉक पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यार व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो, तो फिर वापस हम आ गए हैं अभी। यार बिल्कुल अभी अभी नींद से उठा हूँ, मारा देखो मेरी ऐसे ही पागलों की तरह डर रहा हूँ। तो यार आज जुमे दिन है, आज है इनके नमाज पढ़ने, वैसे भी पढ़ने जाता रहता हूँ लेकिन जुम्मे का दिन बहुत खास दिन है। आज के दिन नमाज पढ़ने जाएंगे, और पीटी नमाज में यहाँ पर भी नहीं पढ़ता, अपने घर वाले साइड पे जाते हैं, घर से काफी दूर है मस्जिद, डिफेंस वाली साइड पे, वहां पर जाके पढ़ता रहता हूँ। और फिर आज जरा इसको भी सर्विस सर्विस कराना है, काफी दिन हो गया इसको सर्विस नहीं करी। इसके लिए अलग से पॉलिश भी लेकर आया हूँ, ये रखा हुआ है यहाँ पर, रात को लगाया तो थोड़ी सी शाइन आई है ये वाली साइड से ज्यादा इस साइड पर। तो फिर आज इसको जरा चमकाएंगे, फूल ऐसे करेंगे, उसके बाद चलेंगे डिफेंस, वहां पर नमाज पढ़ के फिर बाहर ऐसे कहीं पर घूमेंगे शूमेंगे, वीडियो से बनाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे यार क्या करेंगे। तो अभी हालत ऐसे है, थोड़ी देर तक फिर आपको मिलता। तो यार मैंने सोचा बाद में अपने आप को नहा लूंगा, ये देखो ऐसा मुंह जो बनाया हुआ है बाद में धुला लेंगे, पहले चलते हैं ये जरा अपनी जरा बियर्ड अपने सही कराएं, उसके बाद भाई को जरा सर्विस चीज करानी है। और फिर अभी तक यार ये देखो चादर भी नहीं लपेटी मैंने अपनी, वैसे की वैसे पड़ी हुई है। ये खिड़की खोली हुई थी, रात कौन सा होगा, वाई फाई होता है उसी को कनेक्ट करके सोया हुआ हो, तो नेट होता नहीं है यार, कभी कभी होता है कभी नहीं होता, इसलिए फिर इनका वाई फाई कनेक्ट कर लेता है। रात को नहीं था मेरे पैकेज, इनका वाई फाई कनेक्ट करके काम चलाया। ये हम गरीबों की तार है देखो, इधर आया यार, यहाँ से पूरी कटी हुई है और यहाँ से सोलर सेंटर पे लगी हुई है। यार अमीर हो गया आपका भाई ना, पैसे से नहीं करता है छोटी मोटी चीजों को। फाइनली यार यहाँ पर पहुंच गए, पहले भी इसी कटिंग वाली जगह पर आया हुआ था, ये वाला परफेक्ट कट वाली जगह, पहले भी यहाँ पर आए थे साहिल की तरफ, पुराने अगर ब्लॉग में जाकर मैं देखो तो पहले भी यहाँ पर आए हैं, और दोबारा जाते हैं मैं यहाँ से खर्च करवाने और कुछ भी दिक्कत नहीं, तब चलता हूँ वहीं करा देता हूँ। यार फिलहाल तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश है, भी उन्होंने कहा थोड़ा सा वेट कर लो के लिए तुम्हारे जो काम है वो करते हैं। देखो फिलहाल मैंने बहुत सारा रश हुआ पड़ा, बॉल यार बड़े रखने के सोचा था फिर रखे नहीं, मैंने कहा जब काम कर यार सेट नहीं हो जाता ऐसे, पहले बड़े बॉल रखे थे फिर दोबारा छोटे करा दिए, क्योंकि बार बार यानी कंघी देनी पड़ती है, इधर उधर हो जाते हैं बॉल हवा की वजह से। और फिर अलहमदुल्ला जो हमारे शहर का हाल है यहाँ पर, यानी वैसे ही मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है ना, हाँ शुक्र है भाई जरा मौसम सही है, देखो हाँ जरा बाहर मौसम सही हो होता है, बस अल्लाह करे जुम्मे तक ऐसे ही हो, वरना धूप जो इतना होती है ना यहाँ पर, इतना गर्मी हो जाती है वो तो ज़रा बाहर निकलने का नहीं होता, कल इतना तेज़ गर्मी थी बाहर निकलने का। तो यार काफ़ी देर के बाद फाइनली ये दाढ़ी साड़ी बनवा लिया यहाँ से, तो थोड़े से हल्के से बाल कटवाए हैं, और फिर अब चलते हैं बस इसकी यार थोड़ी सी यहीं जो सर्विस सर्विस करानी थी वहीं करा कर फिर वापस चलते हैं घर, वरना अम्मी जो मेरी गुस्सा बैठी हुई मुझे पता है, अम्मी बस उसको सर्विस करा कर सीधा घर चलते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने कमरे में। बस अलहमदिल्ला बाइक भी अब यहाँ पर सर्विस हो गई है, वो सामने खड़ी है सर्विस होकर, बस इस पर अभी थोड़ा सा कपड़ा लगा देते वापस घर चलते हैं। तो इसके लिए वो जो पॉलिश ले गए थे वो इसके सिलेंसर टैंक की सिलेंसर मायने हैं, उसके बाद मम्मी का यार टाइम नज़दीक क्योंकि सारे बताने अस्टिमेट में जल्द कर रहे हैं, उसको जल्दी करा के जाता हूँ घर, बस वहीं पर वो कपड़े पहनूंगा, उसके बाद जुम्मे का टाइम है दोस्त को उठाना, उसको उठा कर फिर वहीं पर नमाज़ पढ़ूँगा। अभी वहाँ से सर्विस सर्विस करवा के बाइक फुल चमका कर ले आए हैं, ये देखो बस अभी जाता हूँ अंदर पॉलिश उठाता हूँ इसकी, वहीं इसको पॉलिश मारता हूँ, फिर थोड़ी देर अंदर रेस्ट करूँगा, अभी टाइम है पड़ा थोड़ा सा। जुम्मे का शुक्र है उनको, मैंने बोला मैंने कहा जल्दी कर दो मैंने जाना है कहीं पे, तो फिर उन्होंने जल्दी कर दिया, अभी बस जाता हूँ अंदर थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद जाकर जुम्मे की तैयारी करते हैं। यार ये हमारे यार गली में सब्जी बेचने वाले आए हुए आजकल, यार कैसे हैं दे रहे हो तब भाई, औकात नहीं है इन लोगों की, औकात नहीं है। तो यार इतना देर हो गया बाइक को सर्विस सर्विस किया, अभी साफ हो गया, झूठ बोल रहा है खुद सर्विस किया, बस कोई बात नहीं यार, अभी भाई ठहर रहे अंदर नहीं ठहरा था, अंदर बहन भाई ठहरे हैं वो तंग करेंगे फिर इसको ख़राब कर देते हैं, भाई अभी ठहरे उसके बाद अभी जाता हूँ थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर जुम्मे का टाइम होने वाला है, नहा के साफ़ सुथरा होकर फिर जाएंगे डिफेंस वाली साइड। तो फाइनली यार तुम लोगों का भाई तैयार श्यार हो गया, अभी ऐसे कपड़े शपड़े पहन के आ गए, बस अभी चलते हैं दोस्त के घर, उसको उठाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं नमाज़ पर,
नमाज से फिर वापस सीधा घर आएंगे, बाद में शाम को कहीं पर घूमेंगे शूमेंगे। तो यार अभी इसके पास आया था, ये दोस्त कह रहा हुआ इसके पास आया हुआ था, इसके कपड़े प्रेस नहीं थे। मैंने कहा जुम्मे की तैयारी कैसे करेगा, कह रहे कपड़े यार मैं ड्राई क्लीन वाले को दे रहा हूँ, लेकिन यार अभी उस दुकान पर अभी वहीं पर गया हुआ था। मैंने कहा भाई तो आज घर बैठ तू नमा ना पाए, भाई तेरे पास और कपड़े नहीं पड़े हुए यार, और हैं बिजली नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा तू यहीं बैठे, मैं भी जाऊँगा वहाँ बड़ी फ्रेंड्स नमाज पढ़ के फिर वापस आऊँगा, यहाँ पे वहीं बचा कर बैठूँगा। तो यार फाइनली डिफेंस पहुँच गया हूँ, ये है सामने मस्जिद, ये इस तरफ है, अभी जाएंगे बस नमाज पढ़ के फिर बाहर आके फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। यहाँ पर आया था नाना बाबू के पास, नाना बाबू को नमाज़ पढ़वा के फिर मैंने वापस घर जाना है। बस शुक्र है टाइम पर यहाँ पर पहुँच गया, अभी बस जाऊँगा नमाज पढ़ के फिर वापस आ गया यार, वहाँ से अभी नमाज़ पढ़ के वापस यहाँ पर घर में आ गया। भूख लगी थी, मैंने कहीं यहीं बना दो यहीं खा लो। बस यार मौसम तो आज अच्छा बना हुआ है, वैसे बोल रहे हो मौसम आज सही है, लेकिन यार वहाँ पर तो दोस्त के कपड़े इस तरीके थे। मैंने कहा यहीं पर आएंगे वीडियो शेयर बनाएंगे, लेकिन उसके कपड़े सेम थे और ना ही यहाँ पर मेरा कोई वीडियो बनाने वाला है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं खाता हूँ तो ये बैठता हूँ पानी पी के फिर वापस आ जाता हूँ वहाँ पर जाता हूँ। उसके बाद फिर इरादा तो नहीं है शायद करने, मैंने कहा देखूँगा ज़्यादा हुआ तो पैक करने जाऊँगा, और मैं नहीं जाऊँगा देखते हैं अब क्या। मिल चल लिया है, डकार देकर बाहर आ गया हूँ, अभी बस घर जाता हूँ। और यहाँ पर कोई काम है तो नहीं, ना ही दोस्त है ना ही कोई है यहाँ पर, अभी इतना बने हैं मेरे एक दो हैं वो भी बस बेहोश होंगे इस वक्त घर होंगे। तो फिर अभी बस चलता हूँ ये घर जाता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, एकेडमी का टाइम होने वाला है। उसके बाद एकेडमी यार इरादा मेरा कोई नहीं बन रहा एकेडमी जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि यार एकेडमी में कुछ होता नहीं है, वैसे बोरिंग लेक्चर होते हैं ना, नींद आने लगे थे उनको लेक्चर के दरमियान। तो फिर बस अभी चलते हैं घर की तरफ, जाकर भाई को थोड़ा कपड़ा शपड़ा मारते हैं फिर चल के सो जाएंगे, तो फिर घर चल के तुम लोगों को मिलता हूँ। तो यार ये कौन सा आईफोन है दो सारा, ये भी साथ आ गए हैं, गार्ड इनको एंट्री दे रहा था, मैंने इनको दिलवाया, मैंने कहा मेरे साथ है भूख प्यास लगी हुई है, वहीं पर जाते हैं खाते हैं पीते हैं। ये हमारे सामने मौली साहब हमारे नमाज पढ़ के जी आ रहे मेरा, अभी यार प्यास प्यास लगी थी, मैंने कहा चलते हैं यहाँ पे कुछ खाता हूँ पीता हूँ, भूख शूख लगी हुई थी। ये हमारे मौली साहब जा रहे हैं अभी दुकान पर आ गए, इन लोगों को मैंने बोला यार कुछ करो माने आज क्या पिलवा रहा है, तो यार हूने इंदे लगे केक दे बेच होने केक मैं ना खड़ा मीना सलवार बेच फंस गई है कितना दिन का नहीं पड़ा है, लेकिन इतना कहीं दिया पानी कुछ नहीं संगा, ये यार हल्का सा यार किक आज यार आज सरो घरों खले को सी आज अभी लोगों के सामने ले लो घरों खले को सी कपड़े लेके लोगों के सामने मैं खले का नहीं। अच्छा यार मैंने मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा चलते हैं अभी कुछ पीते हैं, फिलहाल तो बोतल तो छोड़ दिया अभी, इसलिए पकोला वाला दूध किधर गया है, स्टिंग भी नहीं है, पकोला वाला दूध किधर है यार, पकोला वाला दूध तो नहीं पड़ा हुआ मेरे ख्याल से। भाई जी आपको दूध पिलाएं, ये इतना सर भाई सर तक पता हो पिया कोई मसला नहीं, अब जवान है एक ये है और तुम लोगों के पास पैसे नहीं है यार। हाँ सही जी कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ तो छोड़ दे, मैं खुद गरीब हूँ छोड़ ज़्यादा सारे इंसान तू छोड़ तू आये आये ना दंगा यार छोड़ दे चल अपनी दे गरीब ये ढोटी काले वाले तो लगा लगा नहीं जिब्रान देगी जिब्रान को बोलूँगा अभी बस रेड बॉल निकलवाएगा हैं खाली क्या जी रेड बॉल खाली क्या जी सरू जोन डू और जिन्नी ही कमरे क्या जाने भाई पहले तो मेरा भाई जैसे घूमने सुनने का प्लान था, शुक्र है ये नमूने मिल गए हैं वो आगे जा रहे हैं, अभी इनके साथ जाता हूँ ऐसे भाई घूमते हैं सुनते हैं चक्कर चक्कर लगाते हैं फिर वापस मैं घर की तरफ चला जाऊँगा। टाइम होने वाला है चलते हैं पढ़ाई शढ़ाई करेंगे, मेरा भी दिल कर गया मैंने के पास आ जाएगा अभी फिर बस इनके साथ हो गया चक्कर लगा के फिर घर। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर पहुंच चुके हैं, दोस्त वापस चले गए हैं, तो यार आगे अभी ब्लॉग बनाने का दिल नहीं करा सच बताऊँ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो फिर अभी जाता हूँ मैं बस घर चल के सो जाता हूँ नींद आई है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना, अल्लाह हाफिज़।